वेलकम टू एमी किचन का। मेरा नाम है दोस्तों। आज के सुबह मैं आपके साथ में अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी किचन के डेली लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली ट्रिक है दोस्तों मसालों को लेके। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे मसालों में बारिश के मौसम में खास करके लम्स पड़ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे नमक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मसालों से मॉइस्चर को चूस लेता है। तो बस हल्का सा नमक इन मसालों में आप डाल दें, इससे क्या होगा कि मसालों की जो फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी और साथ ही मसालों में लम्स नहीं पड़ेंगे। तो मैं अक्सर नमक डाल के मसालों में रखती हूँ दोस्तों, जिससे कि हमारे मसाले बिल्कुल भी खराब नहीं होते। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप, इससे मसाले जल्दी खराब नहीं होते और लंबे समय तक मसाले फ्रेश बने रहते हैं। प्याज काटते वक्त अक्सर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो उससे बचने का एक जबरदस्त उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ। हल्का गर्म पानी कर ले आप और प्याज को उसमें डाल लें, यानी कि प्याज को आप हल्का सा पानी में गर्म कर लें। उससे क्या होता है, जो सल्फर होता है प्याज में, जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं, वो रिलीज हो जाता है। इससे क्या होगा कि सल्फर जो है सारा निकल जाएगा, पानी का रंग भी आप देख सकते हैं कि पूरा चेंज हो रहा है। ज्यादा आपको इसमें नहीं पकाना है, झटपट आप इसे बाहर निकाल लें। तो देखिए पानी का कलर पूरा चेंज हो चुका है, चलिए बाहर निकाल लेते हैं प्याज को। और जब आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ट्रिक जो है बहुत ही कारगर है, मैं भी हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ। घर में गैस के बर्नर तो गंदे होते रहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम इसे साफ करना भूल जाते हैं। गैस के बर्नर्स अगर अच्छे रहेंगे तो इसके छेद भी बंद नहीं होंगे, छेद अगर बंद नहीं होंगे तो हमारा गैस कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा जलेगा। हमेशा गैस बर्नर्स को क्लीन करते रहा कीजिए, इससे क्या होगा कि सर्विसिंग की भी आपको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। आपको जितना ये पेस्ट लिया है उसी पेस्ट को अपने गैस के बर्नर पे, स्टील के प्लेट पे, गैस पे अच्छे से रब करके क्लीन करना है। तो इस तरीके से अगर क्लीन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे किचन से कॉकरोचेस वगैरह भी दूर रहते हैं। इससे क्या होता है कि गैस बर्नर के जो छेद है वो भी बिल्कुल खुल जाते हैं। और कभी कभार हम क्या होता है कि खाना बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खाना जो है हमारे गैस बर्नर पे गिर ही जाता है, और फिर हम इसे जब क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे गैस के जो छेद है, बर्नर के छेद है, वो अपने आप बंद होने लगते हैं। और फिर हम परेशान होने लगते हैं कि हमारे गैस स्टोव को क्या हो गया है, ठीक से बर्न क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं इस तरीके से अक्सर अपने गैस स्टोव की क्लीनिंग करती हूँ, बर्नर की क्लीनिंग करती हूँ। और ये जो स्टील की प्लेट है उससे भी आप इस कोलगेट से रब कर लें, हर जगह पे आपको इस टूथपेस्ट से रब कर लेना है। तो केवल कोलगेट से ही बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, तो कोलगेट की मदद से पूरे गैस को इस तरीके से क्लीन कर लें। कोने कोने में भी क्लीन करना है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे से क्लीन हो सकता है वहाँ वहाँ पर इसे रगड़ रगड़ के आप क्लीन करें। ऐसा नहीं है कि कोलगेट से केवल आपको बर्नर ही क्लीन करना है, पूरा का पूरा जो गैस स्टोव है उसे आप क्लीन कर सकते हैं। एंड रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा है तरीका क्लीन करने का गैस स्टोव, और इससे 100% इफेक्टिव और अच्छी और जल्दी क्लीनिंग होती है। और टूथपेस्ट से साफ करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस से दूर रहते हैं। तो देखिए हमने कितना अच्छे से इसे क्लीनिंग करी है, बिल्कुल रगड़ रगड़ के इसका सब एक एक कोना हमने साफ करा है। तो चलिए फटाफट से इसको आपको मैं धो के बताती हूँ इसका एंड रिजल्ट। तो गैस के बर्नर को एक पानी से भरे बाउल में मैंने डाल दिया है और रगड़ रगड़ के इसे इसका पूरा कोलगेट जो है आपको निकालना है। एंड में फिर आप देखेंगे इसका एक एक छेद आपको खुला हुआ मिलेगा। तो ये देखिए अच्छे से वॉश कर लिया मैंने, आप देख सकते हैं कि एक छेद इसका खुल गया है और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो आप भी अपने गैस को इस तरीके से क्लीन करें, जैसे ही आप क्लीन करेंगे तो आपको बहुत ही नया जैसा फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी नया गैस खरीदा है। और ऐसे क्लीन करने से आपके गैस पे एक नई जैसी शाइन भी आएगी। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। और साथ ही मुझे कॉमेंट ज़रूर करके बताएं कि सबसे अच्छी टिप इनमें से आपको कौन सी लगी। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आप लोगों के लिए खास एक स्टोर बनाया दोस्तों अमेजोन पे, जहाँ पे आपको बजट वाली चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी। मैंने सेपरेट करके रखी है और आप लोगों के लिए खास सिलेक्ट करके रखी है मेरे स्टोर में, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, भारी डिस्काउंट में चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।